अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खालिद अंसारी है और आज मैं बात करूंगा इंसेंटिव स्पायरोमीटर के बारे में। इंसेंटिव स्पायरोमीटर का जो मेन फंक्शन होता है, उसका काम होता है लंग के फंक्शंस को इम्प्रूव करना और स्टेमिना डेवलप करना। बेसिकली इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें जब हम लोग पेशेंट को कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं, स्पेशली बाईपास सर्जरी या एब्डोमेन के ऊपर हिस्से में, या एब्डोमेन की बड़ी सर्जरी होती है, तो ऐसे मरीजों को अक्सर चेस्ट में प्रॉब्लम होने लगती है। पेन की वजह से वो डीप ब्रेथ नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल उनका फॉल होने लगता है, लंग कंजेशन की वजह से, एटिलेक्टेसिस की वजह से, और उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या सांस लेने में परेशानी होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, और जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मरीज़ इन सब मेजर सर्जरी से पहले, एटलीस्ट 5 to 7 days पहले, अगर इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के ज़रिए अपने लंग फंक्शंस को इम्प्रूव करे और अपना स्टेमिना डेवलप करे, तो ये सब प्रॉब्लम से जो ऑपरेशन के बाद होता है उससे बच सकता है, और इसकी वजह से हॉस्पिटल स्टे या आईसीयू स्टे शॉर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल उसका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी कम हो सकता है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो होते हैं, दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, एक तो वॉल्यूम बेस्ड होता है और एक फ्लो बेस्ड डिवाइसेस होते हैं। आज हम दो अलग अलग फ्लो बेस्ड डिवाइसेस के बारे में, उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, बात करेंगे। एक ये 3 बॉल वाला स्पायरोमीटर होता है, जिसके अंदर बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक उसका माउथपीस होता है, एक ये ट्यूब होता है, और एक गैस कंटेनर होता है, जिसके अंदर आप देखेंगे अलग अलग नंबर मेंशन है, 600, 900 एंड 1200। जिस तरह जैसे जैसे मरीज़ अपना स्ट्रेंथ बढ़ाता है या एफर्ट बढ़ाता है, उस तरह से बॉल पहले एक, फिर दो, फिर तीन उड़ता है, और इस तरह से उसका ऑक्सीजन लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है और उसका आहिस्ता आहिस्ता स्टेमिना डेवलप होता है। सारे पेशेंट एक साथ तीनों बॉल कई बार नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होते हैं, और भी कोई प्रॉब्लम जैसे पेन हो रहा होता है बॉडी में या चेस्ट में या एब्डोमेन में, उसकी वजह से कई बार वो उठा नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो 2-1 दिन बाद तक या 2-1 दिन ये प्रोसीजर करते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बॉल पहले एक से, फिर दो, फिर से तीन उड़ने लगता है, और उनका आहिस्ता आहिस्ता लंग फंक्शन और स्टेमिना इम्प्रूव होता है। इसके अलावा एक और डिवाइस होता है, जो सिंगल बलून डिवाइसेस होता है, इसके अंदर भी माउथ पीस, ट्यूब्स एंड गैस चैम्बर होता है, और इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे एक एरो का निशान होता है, और यहाँ टॉप पे अलग अलग नंबर्स लिखे गए हैं, 200, 400, 600। तो इस एरो को इस नंबर से मिलाने से, जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, उस तरह से पेशेंट को बॉल को उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ता है, और ये भी अल्टीमेटली सेम फंक्शन प्रोवाइड करता है जो ये 3 चैम्बर वाले प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई मरीज़ है जिसको अस्थमा का अटैक या सांस की बीमारी का अटैक आया हुआ है, और लंग में कंजेशन बहुत है, और सांस लेने पे सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, वीज के साउंड सुनाई दे रहे हैं, या चेस्ट में टाइटनेस लग रहा है, या चेस्ट पेन हो रहा है, अनस्टेबल एंजाइना हो रहा है, कि मिनिमम एक्टिविटी में हार्ट का पेन उभर जा रहा है, या मरीज़ को बैठे बैठे सांस लग रहा है, या मरीज़ के खांसी में ब्लड आ रही है, या अगर कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो ऐसे मरीज़ों को ये सब डिवाइसेस यूज़ नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कि इस डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए मरीज़ का पोजीशन क्या होना चाहिए। इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ या तो सिटिंग पोजीशन में रहे या स्टैंडिंग पोजीशन में रहे, और डिवाइस को अपने आँख के लेवल के ऊपर रखना है इस तरह से, और उसको एक लंबी सांस पहले छोड़नी है, और उसके बाद इसको इनहेल करना है पूरी तरह से, जितनी ताकत से लगा के इनहेल कर सकता है, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सांस को रोकना पड़ता है, जिसमें कम से कम वो 3 से 5 बार तक अंदर ही अंदर काउंट कर सके। अभी मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। तो पहले लंबी सांस छोड़ना है, फिर इसको माउथ पीस को मुंह में लगा के जोर से खींचना है, फिर छोड़ना है।
तो कोशिश करना है कि बॉल थोड़ा देर तक उठा रहे, इसी का मतलब होता है कि मन के अंदर ये काउंट करना है 3 to 5 तक, ताकि बॉल थोड़ा देर तक ऊपर टच करता रहे। एक बार और मैं इसको रिपीट करूँगा, और इस तरह से हर घंटे 5 से 10 बार करना है। तो शुरू में जैसे मैंने बताया, पेशेंट की फिजिक, बॉडी वेट और बिल्ड के हिसाब से हर मरीज, ज़रूरी नहीं कि एक बॉल उठा सके, कोई एक बॉल उठा पाता है। फिर जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद या कुछ 2-1 दिन के बाद 2 बॉल 3 बॉल उठाने लगता है, और इस तरह से उसका स्टेमिना डेवलप होता है, जो कि ऑपरेशन के बाद रिकवरी में काफ़ी मदद करता है। इस डिवाइस को भी यूज़ करने का इसी तरह से तरीका है। एरो पे ये नंबर को सेट करना होता है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको 200 पे सेट किया, 200 से स्टार्ट करना होता है, फिर ग्रेजुअली इसको डेवलप करना होता है, लंबी सांस छोड़ना है और एयर को सक करना है, और कोशिश करना है कि बॉल जितनी देर तक ऊपर टिका रहे, 3 to 5 सेकंड जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। तो बेसिकली जब हम इसको बार बार करते हैं, तो हमें मरीज़ को ये विजुअल एक फीडबैक देता है कि आप कितना शुरू में अच्छा कर रहे थे और बाद में कितनी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। पहले मरीज़ 200 पे उठा पाता है, फिर कुछ घंटे बाद या नेक्स्ट डे 400, फिर 600, पहले उसको उठाने में दिक्कत होती है, फिर वो आसानी से उसको बलून को उठा पाता है और ज़्यादा समय तक मेंटेन कर पाता है। तो इससे हमको विजुअल फीडबैक मिलता है, और अल्टीमेटली मरीज़ के लंग फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं और उसका स्टेमिना डेवलप होता है। सो ये था इस डिवाइस को यूज़ करने का तरीका। और अब मैं बात करूँगा कि इसको कैसे क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के लिए इसको बेसिकली रेगुलर सोप वाटर से इसको क्लीन करना होता है। इसके सारे जो पार्ट्स होते हैं इसको डिस्कनेक्ट करके, यहाँ से इस तरह से डिस्कनेक्ट करके इसको अंडर सोप वाटर क्लीन करना होता है, और फिर इसको एयर ड्राई कर लेना होता है। सो मेरा बेसिकली ये वीडियो बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद ये था कि हम कई बार हम लोगों ने देखा है कि मरीज़ लोग बाइपर सर्जरी कराते हैं, या गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराते हैं, या एब्डोमेन की कोई कैंसर वगैरह की सर्जरी कराते हैं, और वो इस तरह की एक्सरसाइज कुछ दिन पहले से नहीं कर पाते हैं, तो ऑपरेशन के बाद उनको कफिंग की, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर मरीज़ ये डिवाइस एटलीस्ट 5 से 7 दिन पहले इस डिवाइस को यूज़ करे, और हर घंटे 5 से 10 मिनट इसको इस्तेमाल करे, दिन में कम से कम 8 से 10 दफ़ा, और वो उससे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका लंग फंक्शन है और स्टेमिना इम्प्रूव होगा, और इंशाल्लाह ऑपरेशन के बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, और उससे होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बच सकेंगे। थैंक यू।